उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ के अधीन संचालित गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर और मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज सिफई में शिक्षा वर्ष 2019-20 के कक्षा 6 में प्रवेश के लिए कबड्डी, फुटबॉल, तैराकी, एथलेटिक्स, कुश्ती और जिम्नास्टिक खेलों के लिए गोरखपुर मंडल की प्रारंभिक चयन प्रक्रिया शुक्रवार को रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम और वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में सम्पन्न हुई। रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में कबड्डी के लिए 53, फुटबॉल के लिए 87, तैराकी के लिए 34 और एथलेटिक्स के लिए 57 लड़कों ने ट्रायल दिया। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में कुश्ती के लिए 67 लड़के और 10 लड़कियों ने, जबकि जिम्नास्टिक के लिए 10 लड़कों और 4 लड़कियों ने ट्रायल दिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए क्रीड़ा अधिकारी मंडल ए के पांडे ने कहा, लाइन टच करिए, नंबर वन अपना प्रदर्शन दिखाओ, जो भी आता है। खड़े खड़े खेल रहे हो, बढ़िया। ये खेल विभाग द्वारा स्थापित उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट्स कॉलेज जो सैफई लखनऊ और गोरखपुर में है, इनके बच्चों का ट्रायल चल रहा है विभिन्न खेलों का। कहाँ कहाँ से बच्चे सर यहाँ पर? यहाँ पर गोरखपुर मंडल के बच्चे हैं, गोरखपुर मंडल में गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज के बच्चे हैं। सर कब तक चलना है? ये आज आखिरी दिन है। व्यवस्था इसमें स्टेडियम की तरफ से किस तरह की व्यवस्था की गई? यहाँ पर बच्चों को ट्रायल के लिए सारी सुविधाएं दी गई हैं और ये ट्रायल दरअसल दो स्थानों पर हो रहा है, एक वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में जहाँ पर कुश्ती और जिम्नास्टिक का ट्रायल चल रहा है, यहाँ पर एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी का ट्रायल चल रहा है और तैराकी का भी चल रहा है।